नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बात दिल्ली और आसपास के इलाके यानी कि एनसीआर की हो रही है और इसके साथ ही हैदराबाद की भी कुछ तस्वीरें आई। तेज बारिश जारी है और इस बारिश को देखते हुए दिल्ली नोएडा के कई सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। ये अपडेट हम आपको दे दें। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस जो अपील कर रही है लोगों से वो ये है कि अगर आप इस वक्त अपनी कार से सफर कर रहे हो या फिर आपको कार से सफर करना हो तो कार की सेंट्रल लॉकिंग को डीएक्टिवेट ही करें। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों से ये अपील की है कि एयरपोर्ट आने से पहले आप फोन कर फ्लाइट की अपडेट ले लें। फ्लाइट अपडेट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फोन नंबर भी जारी किया है और वो लैंडलाइन नंबर 01243376000 है। दिल्ली और आसपास हो रही लगातार बारिश से एनसीआर बंधक सा बन चुका है और ये चार तस्वीरें चार अलग अलग राज्यों के हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा का गुरुग्राम, नोएडा और हैदराबाद चारों बारिश से बेहाल हैं। दिल्ली के लोधी रोड की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली इस वक्त बारिश में बुरी तरह से फंसी हुई है, लेकिन लोधी रोड का हाल क्या है वो आप। मतलब तो भिगवा दिए। लोधी रोड की तस्वीरें हैं। कोई भी व्हीकल हो उसके पहिए पानी में डूबे हुए हैं। लोग बैकलाइट और हेडलाइट जलाकर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने यह अपील भी की है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह अपील की गई है कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि तस्वीरें भी लोधी रोड की देखने को मिल रही हैं, तो आप सेंट्रल लॉकिंग को डीएक्टिवेट कर लें और उसके बाद गाड़ी चलाएं। अब आपको नोएडा की कुछ तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। नोएडा में भी भारी बारिश से हाल कुछ ऐसा ही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जलजमाव की समस्या है और यही जलजमाव की समस्या जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पूरे नोएडा में अमूमन ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। आज दिन भर बारिश होगी, मौसम विभाग ये भी कह चुका है। यानी कि जो जाम के हालात सुबह से हैं उससे आज आपको राहत कम ही मिलेगी, ये अनुमान के मुताबिक मौसम विभाग के। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है, लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दिल्ली के सराय काले खां से सुबह 11:45 पवन नारा की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश हो रही है। जोरदार बारिश का असर ये है कि इस वक्त सराय काले खां में पानी 1.5 से 2 फीट भर गया है, जिसका सीधा सा नतीजा ये है कि 4 लेन का जो रास्ता है वो लगभग 2 लेन में तब्दील हो गया है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप जैसे ही नजर घुमाएंगे और सामने की ओर देखेंगे तो आपको एक लंबी कतार दिखाई देगी वाहनों की। यही वजह है कि पानी भरने की वजह से परेशानी है। लोगों का कहना है पानी ज्यादा है, इसीलिए परेशानी हो रही है। आगे भी पानी दिखाई दे रहा है, बता रहे हैं पीछे भी पानी है। और यही वजह है कि ट्रैफिक यहां पर बिल्कुल रुका हुआ है। ये दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों की तस्वीर है। और सवाल यही है अक्सर जो उठता है कि आखिर ये पानी इतना बरसने के बाद निकलता क्यों नहीं है और नाले और नालियां जाम क्यों है। नतीजा ये है कि ट्रैफिक थमा हुआ है, लंबी कतारें हैं। और जो लोग ये सोचकर निकले थे कि ऑफिस वक्त पर पहुंचेंगे, सुबह के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सड़कों पर अटके हुए हैं दिल्ली के इस जाम के बीच। यानी दिल्ली में जाम एक नया दर्द है जिससे लोगों को अक्सर दो चार होना पड़ता है, और अगर बारिश हो जाए तो ये दर्द कई गुना बढ़ जाता है। कैमरामैन शंकरसन मलिक के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो जिस बात का जिक्र यहाँ पर पवन कर रहे थे, आपके जहन में भी वही बात होगी कि जाम आखिर लगता क्यों है और जाम लग जाता है तो फिर जल्दी खुलता क्यों नहीं है। क्योंकि दिल्ली में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। चार तस्वीरें आपको और दिखा देते हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह जाम के हालात हैं। और ये चार तस्वीरें हैं, ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है। विजय चौक, मंडी हाउस, आर के पुरम और ITO, हर जगह तेज बारिश। तेज बारिश की वजह से जल जमाव और फिर ट्रैफिक की धीमी रफ्तार और ट्रैफिक जाम।
और सीधा हम रुख कर लेते हैं आईटीओ का। मेरे सहयोगी रूफी जैदी इस वक्त वहां से मौजूद हैं। रूफी, अभी की क्या खबर? मतलब तो भिगवा दिए। 11 बजे रहने वाला ये इलाका है आईटीओ। हमने सुबह देखा कि यहाँ पर लंबा जाम लगा था, लेकिन पिछले एक घंटे में जो हालात हैं वो आईटीओ पर बेहतर हुए हैं। जो रेड लाइट है उसको इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि जिस तरफ से ज़्यादा ट्रैफिक आता है वहाँ पर ज़्यादा देर के लिए उस लाइट को ग्रीन किया जाता है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि गाड़ियों की जो कतार है वो आपको नज़र आएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि गाड़ियाँ मूव कर रही हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर, इस अगर सड़क की बात की जाए तो कोई गाड़ी ख़राब नहीं हुई है। जो वाटर लॉगिंग यहाँ पर हो गई थी सुबह वो भी अभी कम नज़र आ रही है, और गाड़ियां लगातार धीमी गति से लेकिन मूव कर रही हैं, और इसीलिए यहां पर जो हालात हैं वो बेहतर फिलहाल नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले हमने एक एम्बुलेंस को देखा था, वो इस एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम में फंसी थी, लेकिन वो 4 से 5 मिनट के अंदर वो इस सड़क से निकल गई थी। तो आईटीओ की अगर बात की जाए तो आईटीओ पर हालात पहले से सुबह के मुकाबले अब काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी हैवी ट्रैफिक है, गाड़ियाँ बेहद धीमी रफ्तार से मूव कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात दिल्ली वालों के लिए ये है कि अगर वो आईटीओ की तरफ आना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक मूव कर रहा है, भले ही स्लो मूव कर रहा हो। सुबह बिल्कुल जाम हो गया था, सुबह गाड़ियाँ मूव ही नहीं कर रही थी पूर्णिमा, अभी जो गाड़ियाँ हैं वो धीमी रफ्तार से मूव कर रही हैं। अब ये राहत की बात रूफी जो आपने बताई कि अब थोड़ी सी जाम की स्थिति बेहतर हो गई है, भले ही जो गाड़ियां हैं वो धीमी रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन सुबह जैसी स्थिति कम से कम कुछ बेहतर हो चुकी है। मैं लौटूंगी आपके पास, दिल्ली के आरके पुरम और मंडी हाउस की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये दोनों जगह ऐसी हैं, बारिश और जाम से हालात बेहद ख़राब हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आरके पुरम की, सुबह 9:30 बजे की तस्वीर है, और दूसरी मंडी हाउस की तस्वीर, ये भी सुबह 9:30 बजे की है, जब बेहद तेज़ बारिश हो रही है। और रूफी काम रुक कर लेते हैं। रूफी, आईटीओ पर आपने बताया कि अभी हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी बारिश हो रही है आईटीओ के आसपास और वहां के इलाकों में? और दूसरी चीज, वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती आपको कितनी दिख रही है, ताकि जाम जैसी स्थिति और ज्यादा बेहाल ना हो, लोग और ज्यादा परेशान ना हो, और लोग क्या कह रहे हैं इस जाम को लेकर? पूर्णिमा, इस वक्त हम एक फुटओवर ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और बारिश जो है वो कम हो चुकी है। जो आप देख रहे हैं गाड़ियां रुकी हुई हैं, ये गाड़ियां रुकी हुई इसलिए है क्योंकि अभी रेड लाइट है, और जैसे ही रेड लाइट खुलेगी ये गाड़ियां मूव करना शुरू कर देंगी। यहां पर ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है। बारिश हल्की हो चुकी है और हल्की बारिश की वजह से ही जो स्थिति है उसमें सुधार आया, क्योंकि जब सुबह तेज़ बारिश हो रही थी तब सड़क जो थी उस पर आधी जो सड़क थी वो पानी में डूब गई थी, कोई उस तरफ गाड़ी लेकर जा नहीं रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अगर उस तरफ जाएंगे तो गाड़ी खराब हो सकती है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस ठीक से स्थिति को फिलहाल मैनेज कर रही है पूर्णिमा। रूफी, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? सुबह से आपकी लगातार उनसे बातचीत हो रही होगी, और हर बार और खासतौर से आईटीओ का जिक्र जब भी हम करते हैं, सुबह भी मैंने आपसे कहा था कि हल्की सी बारिश में तो हाल बेहाल हो जाता है, आज तो तेज़ बारिश हुई है, तो लोग क्या कह रहे हैं इस जाम की समस्या को लेकर, तेज़ बारिश और फिर वाटर लॉगिंग को लेकर? पूर्णिमा, जब हमने लोगों से बात की, बहुत सारे लोग थे जो इंतज़ार कर रहे थे बारिश रुकने का, बहुत सारे लोग थे जो गाड़ियों से जा रहे थे दफ्तर की तरफ, और वो सभी लोग फंस गए थे। उन सभी का ये कहना था कि थोड़ी सी बारिश होती है और जो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का सफ़र होता है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो आम लोग हैं, और उनका ये कहना है कि वो किस तरह से जाएं, सड़क पर निकलेंगे तो जाम मिलेगा, वाटर लॉगिंग मिलेगी। घंटों तक लोग इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर कि कब बारिश बंद हो और कब वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएं। और टाउन प्लानिंग की अगर बात करें पूर्णिमा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो टाउन प्लानिंग है वो ठीक से नहीं की गई। अगर टाउन प्लानिंग ठीक से की जाए तो इस स्थिति से निजात पाया जा सकता है। जो ड्रेनेज है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, इसीलिए जो पानी है वो ड्रेनेज में ना जाने के बजाय सड़कों पर आ जाता है, और जब सड़कों पर आता है तो आप स्थिति देख सकते हैं, जिस तरह से आप मेरे पीछे भी ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि जैसे ही रेड लाइट होती है यहाँ पर लंबी कतार लग जाती है गाड़ियों की। हालांकि जब लाइट ग्रीन होती है तो ये
जो गाड़ियां हैं वो क्लियर भी हो जाती हैं, लेकिन आप सोचिए 2-3 मिनट की रेड लाइट होती है और उसके बाद इतना जो लंबी कतार है वो यहाँ पर लग जाती है, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। रेड लाइट जो है वो बहुत सेकंड्स के लिए ओपन होती है, ग्रीन में तब्दील होती है, जिसके बाद लोग निकल पाते हैं और जितनी देर में उनका नंबर आता है उतनी देर में रेड लाइट हो जाती है। और आज तो इस तरह के हालात में दिक्कत ज्यादा बढ़ गई होगी।